हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन ऐसे टॉपिक्स के बारे में। दो तो मैथ्स थे एंड एक जो दूसरा है, जो तीसरा टॉपिक है, जो कि है भाई ट्रांसफर्स के बारे में। सो आइए पहले ट्रांसफर्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जो भाई ट्रांसफर है ईस्ट बंगाल, यस भाई, इतने दिनों बाद, इतने एक दो हफ्ते के बाद, ठीक है, एक दो हफ्ते से ट्राई कर रही थी ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए, वो कंडीशन फुलफिल करने के लिए, अपना बजट बढ़ाने के लिए। एंड यस गाइस, फाइनली दे हैव साइन सर्जियो लोबेरो, वन ऑफ द बेस्ट कोच इन द ISL। एंड यस भाई, फॉर्मर मुंबई सिटी एंड FC गोवा के जो कोच है उनको साइन कर लिया सर्जियो लोबेरो ने। एंड भाई न तो काफी कंडीशन थे एंड काफी मुश्किलों के बाद ईस्ट बंगाल ने साइन किया है सर्जियो लोबेरो का। एंड काफी अच्छा क्रिकेट, मतलब कोच के टर्म्स में तो मतलब खतरनाक कोच है। आप मान लो भाई कि ये मनेलो जैसे कोच को साइन कर लिया है सर्जियो लोबेरो को। एंड एक टाइम पे भाई सर्जियो लोबेरो वर्सेस एंटोनियो हवास एक क्लासिको मैच होता था भाई, उसका खतरनाक देखने मजा आता था। लेकिन यस भाई, ईस्ट बंगाल ने काफी अच्छा साइन कर लिया एंड नाउ थोड़े थोड़े ईस्ट बंगाल फैंस खुश रहेंगे भाई। क्यों? क्योंकि उनके उन्होंने एक और प्लेयर को साइन कर दिया है, दैट इज मंदर राव देसाई, लेफ्ट बैक ऑन अ मल्टी ईयर डील। यस गाइस, उन्होंने मुंबई सिटी से मंदर राव देसाई को साइन कर लिया ऑन अ मल्टी ईयर डील। ईस्ट बंगाल ने एंड कल ही ये न्यूज आई भाई, सर्जियो लोबेरो की न्यूज है, उसके बाद ही ये न्यूज आ चुके। तो आप बोलते हैं कि भाई ईस्ट बंगाल अभी काफी, मतलब जैसे कि FC गोवा काफी बिजी है, तो ईस्ट बंगाल भी फुल तरीके से बिजी है एंड फुल कोशिश कर रही है कि नेक्स्ट सीजन के लिए हमारी स्कोर एकदम अच्छे से हो जाए। एंड क्या पता भाई, अभी और भी आप बोलते हैं कि और भी साइनिंग्स होगी। क्यों? क्योंकि देखो अभी तो चालू भी नहीं हुआ, ठीक है, इसके बाद एक दो महीना और बाकी है, तो आराम से साइनिंग कर सकती है भाई। एंड अभी क्लेटन रह गए, मंदर राव देसाई, तो मतलब टीम तो खतरनाक हो रही है। एंड आई रियली होप कि और अच्छे साइनिंग्स करें। एंड जैसे कि आपको पता है ह्यूगो बोमस भी लिंक आ रहा था, तो भाई आई रियली होप कि ईस्ट बंगाल अच्छे अच्छे साइनिंग्स करें एंड फिर से टॉप पे आ जाए भाई। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बात करेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज ओके, दैट इज भाई अपना ये दूसरे टॉपिक के बारे में, इंडियन वुमेन्स। यस भाई, इंडियन वुमेन्स ने फर्स्ट क्वालिफायर खेला जा रहा था कल किर्गिस्तान के साथ एंड फाइनली उसे पछाड़ दिया भाई। मतलब हमारी लड़कियां ने फुल खतरनाक, मतलब मैं कितने दिनों के बाद देख रहा था इंडियन वुमेन्स को एंड कल का मैंने फर्स्ट हाफ देखा ना तो मजा आ गया, मतलब मैं उनके प्यार में चला गया भाई। बिकॉज द वे दे वर प्लेइंग, मतलब जो राइट हैंड साइड था इंडिया का, ठीक है, राइट हैंड साइड से जो बुंड मार रही थी ना मतलब लड़कियां, खतरनाक। लेफ्ट हैंड, मतलब जो ये इसका लेफ्ट बैक था, लेफ्ट बैक थी किर्गिस्तान की, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा था। जो अटैक में फर्स्ट हाफ में तीन गोल मार दिए एंड देन ऑब्वियसली सेकंड हाफ में देख नहीं पाया बिकॉज ऑफ द AFC क्वालिफायर, लेकिन भाई मजा आ गया भाई बिल्कुल मजा आ गया। एंड भाई लड़कियां भी छोरों से कम नहीं है, तो काफी अच्छा मैच है एंड अभी काफी अच्छा मैच हुआ। और जो सेकंड लेग बाकी है इंडिया वर्सेस किर्गिस्तान का, वो 7 अप्रैल को देख, मतलब 7 अप्रैल को खेला जाएगा। लेट्स होप कि उसका भी हम लोग वॉच अलॉन्ग कर सकते हैं। सो इट वाज काफी गुड डे फॉर अस आल्सो एंड ऑब्वियसली मुंबई सिटी की बात करेंगे, इंडियन वुमेन्स ने भाई अच्छा हुआ फाइन इसे हरा दिया। बिकॉज देखो लास्ट 3-4 मैच से हम लोग हार रहे थे, लेकिन ये विन काफी जरूरी थी एंड फाइनल की थम्पिंग विक्ट्री हमने ले ली है इंडियन वुमेन्स ने अगेंस्ट किर्गिस्तान। अभी बात करेंगे जो तीसरा टॉपिक है भाई, जो कि है AFC चैंपियंस लीग क्लब प्लेऑफ भाई बिटवीन मुंबई सिटी एंड जमशेदपुर FC भाई। मुंबई सिटी डिजर्विंगली हैज क्वालिफाइड एंड दे आर कमिंग टू एशिया एंड यो वी कम बॉयज विल शो हु वी आर। यस, मुंबई सिटी 2.0 लास्ट टाइम भी हुए थे, ये बार भी क्वालिफाई हो चुके हैं। ओनली द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सीजन इन द AFC चैंपियंस लीग भाई। काफी मजा आया भाई कल का मैच की अगर बात करेंगे तो भाई फर्स्ट हाफ में मतलब आप बोल सकते कि पूरे गेम में मुंबई सिटी लग रही थी भाई कि हाँ गोल मारेगी, दे वर क्रिएटिंग द चांसेस। फर्स्ट हाफ में भी काफी लग रहा था, 3-4 बार तो क्लोज भी आ गए थे बट गुड डिफेंड नहीं, थोड़ा लक नहीं था। तो जमशेदपुर की बात करें तो भाई फर्स्ट हाफ में दे वर गुड और अच्छे से डिफेंड करते, उनका जो स्ट्रक्चर था मेंटेन करते, सेट पीसेस पे ट्राई करते थे भाई गोल मारने की, या फिर आप बोल सकते कि फ्री किक लेके या फिर कॉर्नर से और काउंटर्स पे हिट करने की कोशिश करते। बट मेरे हिसाब से काउंटर्स पे जब जा रहे थे तो तभी ज्यादा नंबर्स नहीं थे उनके साथ जो सपोर्ट कर सके एंड सेट पीस क्वालिटी भी कल काफी इतनी अच्छी नहीं थी। तो फर्स्ट हाफ भाई मतलब फर्स्ट हाफ में मुंबई सिटी आराम से 2-3 जा सकती थी, बट मैं बोलूंगा भाई कि अच्छे से सेव से टीपी रनेश के एंड उसके वजह से नील होता है। बट जो उसके बाद सेकंड हाफ में होता है भाई, सेकंड हाफ में मुंबई सिटी अपना क्वालिटी दिखा दी थी एंड मैंने बोला था भाई एट द एंड ऑफ द डे वो क्वालिटी मैटर करेगी बेंच से और प्लेइंग 11 में। ऑब्वियसली भाई मैं ग्रेक स्टीम स्टार्ट नहीं करता, तो नॉगवेरो को काफी अच्छा स्टांस दिया था एंड डेस बेकिंगम को भाई सल्यूट भाई, इतने बड़े मैच में आपने गैम्बल लिया एंड इट पेड ऑफ। तो नॉगवेरो काफी अच्छा था भाई, पूरी टीम काफी अच्छी थी मैं तो बोलूंगा भाई एंड इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। 3-1 पहले पेनल्टी मिलती है चांगटे विद क्विक फिट, चांगटे काफी अच्छा करता है एंड चांगटे क्रिएट, ये क्या उसको आप
पैनिकनेस क्रिएट करता है, रिकी के तरफ से पेनल्टी मिलती है, फिर एमएच जाओ उसको कन्वर्ट करते हैं एकदम ब्यूटीफुली। फिर हमें जो सेकंड गोल था नॉर्वे का, वो खतरनाक था भाई, वो खतरनाक था। द टेक्निक यू यूज, जो टेक्निक उसने यूज की थी भाई, वो गोल मारने के लिए भाई मजा आ गया, एकदम प्यारा गोल था, प्यारा प्यारा गोल था। फिर तीसरा गोल भाई ऑब्वियसली अगर आप लोग ग्रेग स्टीवर्ट को लेके आते हो सब्स्टिट्यूट में, और ऐसा तो हो ही नहीं भाई कि वो इंपैक्ट डालेगा, यस इंपैक्ट डाल दिया उसने, असिस्ट दिया विक्रम प्रताप सिंह भाई, विक्रम प्रताप सिंह को खतरनाक, मतलब विक्रम प्रताप सिंह ने गोल मारा, फिर उसके बाद वो पूरा टी शर्ट निकाल के येलो कार्ड मिल गया। तो आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बाई मुंबई सिटी, एंड यस आईएसएल में मैं हेट करता भाई, हारती नहीं थी, लेकिन अभी भाई विल डेफिनेटली ओके विल डेफिनेटली बैक हिम, और हम लोग मुंबई सिटी को बैक करेंगे, एंड होप कि भाई मुंबई सिटी और अच्छे से कर सके, एंड क्योंकि देखो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस भी है, तो ये बार काफी एकदम अच्छे से रेडी होएगी, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू बी भाई, एंड रियली होप भाई कुछ खत्म तड़कती फड़कती कर दे यार, मतलब कुछ थड़कती फड़कती कर दे यार ये बार, तो काफी मजा आ जाएगा। यस मतलब एसीएल के अभी ड्रॉज निकलेंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं अल हिलाल अगर अल नसर क्वालिफाई कर देगा, अल नसर क्वालिफाई कर देगा तो भाई हम लोग को चांस हो जाता है, बट उसकी तो भाई मतलब उसकी तो उसके बारे में अगर नहीं सोचे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट, इतना चांसेस नहीं है, चांसेस रहेंगे बट थोड़े कम चांसेस है, बट यस यार इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। आई होप आपको पसंद आ रहेगा भाई, आपके क्या थॉट्स है भाई, आपके क्या थॉट्स है ये सब के बारे में भाई, एंड ईस्ट बंगाल फैंस आपको कैसा लग रहा है भाई, आपकी टीम फाइनली कुछ इनिशिएटिव दिखा रही है, प्लेयर्स को साइन कर रही है, कोच को साइन कर रही है, तो प्लीज लेट अस नो इन द चैट सेक्शन गाइस, एंड मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखे, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।